हे गाइस, कैसे हो। मेरा नाम है जाबिर और ये है मेरे पास रेडमी 4A फ़ोन। और आज इस फ़ोन को मैं फैक्ट्री रिसेट करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास भी रेडमी 4A फ़ोन है तो आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रिसेट कैसे कर सकते हैं और रिसेट करने के बाद फ़ोन को सेटअप भी कैसे करना है वो भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रिसेट करने के लिए सबसे पहले फ़ोन को अनलॉक कर लेना है। फ़ोन को अनलॉक करने के बाद फ़ोन का सेटिंग को ओपन कर लेना है। यहाँ मैं सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है एडिशनल सेटिंग्स का, तो आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें फिर से बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको फिर से यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है बैकअप एंड रीसेट का, तो आपको बैकअप एंड रीसेट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें फिर से बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें बैकअप करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको अपना डाटा का बैकअप लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं बैकअप। तो बैकअप के बारे में यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ से आप अपना फ़ोन का डाटा का बैकअप ले सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर हमें रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, फैक्ट्री डाटा रीसेट, और नीचे लिखा हुआ है इरेज ऑल डाटा ऑन फ़ोन। तो यहाँ से आप अपना फ़ोन का रीसेट कर सकते हैं। तो आपको फैक्ट्री रीसेट वाले में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, पर्सनल डाटा जो भी रहेगा वो सारा इरेज हो जाएगा, और SD कार्ड भी लगा हुआ है वो भी इरेज हो जाएगा। और नीचे हमें ऑप्शन मिल जाता है रीसेट फ़ोन, तो आपको रीसेट फ़ोन में क्लिक कर देना है फ़ोन को रीसेट करने के लिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड टाइम लेगा जो देख सकते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, टाइम पूरा हो गया, उसके बाद रीसेट 10 सेकंड लगेगा और ओके का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको फिर से ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ़ोन यहाँ पे देख सकते हैं रीसेट होने के लिए तैयार हो गया है। तो यहाँ पे आपको 5 से 10 मिनट वेट करना है और आपका फ़ोन फैक्ट्री रीसेट होके तैयार हो जाएगा। उसके बाद सेटअप करना है, सेटअप कैसे करना है वो भी बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, Redmi 4A फ़ोन फैक्ट्री रीसेट कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पे आपको अपना फ़ोन को सेटअप करना है, तो सेटअप कैसे करना है वो भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे लिख के आ गया है MIUI 10, तो यहाँ पे MIUI 10 में अभी ये फ़ोन चल रहा है। और यहाँ पे आपको फ़ोन को सेटअप करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फ़ोन का लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ मैं इंग्लिश इंडिया में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करना है, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, यहाँ मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें नेटवर्क सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो अगर आपके पास वाईफाई है तो वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्किप पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिम चेकिंग होगा, तो यहाँ पे मेरे फ़ोन में भी कोई भी सिम कार्ड नहीं लगा हुआ है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी योर डाटा, तो आपको अपना फ़ोन का डाटा का कॉपी करना है, बैकअप लिया है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सेटअप अस न्यू पे करने वाला हूँ। उसके बाद गूगल सर्विस को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑल सेट का ऑप्शन मिलता है, तो ऑल सेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन का स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं यहाँ से। तो अभी मैं नहीं लगाने वाला हूँ, तो यहाँ मैं नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, तो इसको आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर रिफ्रेश होगा और यहाँ पे चूज थीम करने का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से थीम को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्लासिक पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा फिर से यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद देख सकते हैं सेटअप कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे फिर से इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा ऐप्स, तो थोड़ा देर यहाँ पे वेट करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, और देख सकते हैं फ़ोन सेटअप कंप्लीट हो गया है और फ़ोन पूरा न्यू जैसा हो गया है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडमी 4A फ़ोन से रीसेट होकर कंप्लीट सेटअप भी हो गया है जो देख सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपना रेडमी 4A फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन पूरा न्यू जैसा हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेडमी 4A फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कैसे करें और फ़ोन को सेटअप भी कैसे करें। तो सारा कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।